feel very elated because I think the it's a very dynamic festival. For one thing, it is not a unitary festival. It has many branches of it or segments of it. It travels from the first Indian traveling international film festival, which makes it very unique and something to look forward to for the film fraternity. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लास्ट तीन दिन आई हैव यू नो बीन अ पार्ट ऑफ द जागरण फिल्म फेस्टिवल. मेरी फिल्म मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस वॉज चोजन एज द ओपनिंग स्क्रीनिंग एट द जागरण शॉर्ट्स सेक्शन ऑफ द जागरण फिल्म फेस्टिवल. और बहुत अच्छा लगा बिकॉज अ लॉट ऑफ द लवली इंडस्ट्री पीपल माय क्रू माय फैमिली अ फ्यू फ्रेंड्स कुड कम एंड एक्चुअली वॉच इट. और फिर येस्टरडे देयर वाज दिस टॉक ऑन शॉर्ट्स कैन मेक यू बिग. Short films can, you know, take you to the next step. So it was an interesting talk along with Vinodji, Manojji, and we had Elena as well. So I think we had a very interesting concoction of people, you know, from different thought processes altogether. For me, being an actor, what I have learned being an actor on set and then going from feature films and then not making a feature, making a short film, I had my own thoughts on the process. Meri bahut sari queries thi short films ke bare mein, jaise ki you know short ka budget kya hona chahiye, ya short film banakar usse monetize kaise kar sakte hain, ya jo short films hai you know what are the benefits of making a short and not a feature. So वो सारी चीजें कल डिस्कस हुई. तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. जी हाँ, मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस जो कि एक 30 मिनट शॉर्ट फिल्म है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है. लेकिन माई फिंगर्स आर स्टिल क्रॉस्ड एंड आई एम होपिंग दैट टूडे एट द जागरण फिल्म फेस्टिवल अवार्ड यू नो एक पॉजिटिव रिजल्ट आए. And I hope that it all you know works out for the best. क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने ही नहीं मेरे पूरे क्रू ने, चाहे वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो यू नो कलर करेक्शन पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन स्पॉट बॉय प्रोडक्शन हेड, हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट दिया है. और मैं चाहती हूँ कि ये मेहनत यू नो फल लाए. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सॉरी, जी इसके बारे में मैंने कल भी कहा कि आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है. जो टेररिस्ट हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए. और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे गवर्नमेंट ने, आई थिंक इट वाज टुवर्ड्स द टेररिस्ट अगेंस्ट द स्टेप दैट दे टुक ऑफ किलिंग आवर जवान्स at the Uri border, that also that too when they were asleep, which was extremely unfair. So I don't think that the poor artists from Pakistan should face the flak, but yeah, I think that I am totally against terrorism and what has happened, but I'm not against every single Pakistani for sure, because every Pakistani is not a terrorist. And yeah, thanks. Thank you.
जी ये इन्होंने मैं सच मायने में इन लोगों ने एक परिवार बना लिया और लगातार आते हैं, लगातार ये फंक्शन अटेंड करते हैं और जिस तरह का ये फेस्टिवल है मुझे बेहद पसंद है क्योंकि ये आपको इंटीरियर्स तक लेके जाता है। आप इनके थ्रू बहुत सारा हिंदुस्तान घूमते हैं तो अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है जागरण फिल्म फेस्टिवल की। किस तरह की फिल्मों पर मैं यही कहूंगा कि हर तरह की फिल्में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सिनेमा और बेहतर समझ रहे हैं, वो चाहे मेकर्स हों या ऑडियंस हों, तो ये फेस्टिवल उस चीज़ को सपोर्ट करता है। हर तरह की फिल्में होनी चाहिए, हर तरह की फिल्में देखी जानी चाहिए और वर्ल्ड सिनेमा भी इसका हिस्सा बनता है तो अच्छा ही लगता है। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबके को इधर इस देश में हक है अपना अपना ओपिनियन रखने का, सो वो उनका ओपिनियन जो कि करेक्ट। थैंक यू। बालों क्योंकि इतने सालों से वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हर साल मुझे ऐसा अवसर मिलता है आने का और मैं आता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है कि एक प्रकार से इंडस्ट्री के जितने तमाम टैलेंट है, राइटर्स है, डायरेक्टर है, आर्टिस्ट है, उन सबको उनको पुरस्कार दिया जाता है, उनके काम को सराहा जाता है और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जागरण वालों को कि इस तरह का जो एक फेस्टिवल जो हर साल करते हैं बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से और हर साल वो फिल्म फेस्टिवल के अलावा फिल्म जो दिखाते अलग अलग शहर में भी वो बहुत ही अच्छा रहता है उनका, तो मैं बहुत बधाई दूंगा पूरी टीम को। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन्वाइटेड ओवर हियर बिकॉज आई हैव दिस इज द सेवेंथ ईयर, इस साल सातवां साल है और इस बार आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग एवरीबॉडी कैन अप्लाई दिस ईयर, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक gives various people, various talented people to showcase their talent. So good luck to them and I'm here to just support the festival, support the talent. Ji. सलमान क्या कह रहे हैं कि आर्टिस्ट है, टेररिस्ट नहीं है, तो सही बात है, सही बात है, सही बात है। जो आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट ही है, कलाकार ही है, वो कुछ बुरा तो नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच।